जश्न आजादी के मौके पर जहां एक तरफ पूरा मुल्क खुशियां मना रहा है, वहीं अजमेर दरगाह थाना अधिकारी दलवीर सिंह फौजदार ने दरगाह इलाके के मासूम और यतीम बच्चों के साथ खुशियां मनाते हुए उन्हें मिठाइयां बांटी। थानाधिकारी दलवीर सिंह फौजदार ने कहा कि पुलिस और पब्लिक में आपसी रिश्ते बेहतर रहे, इसके लिए ऐसे त्योहारों के अलावा भी पब्लिक के साथ खुशियों में शरीक होना चाहिए। जबकि पूरा मुल्क इस त्योहार की खुशियां मना रहा है, वहीं दरगाह थानाधिकारी ने दरगाह के पास यतीम खाने पहुंचकर यतीम बच्चे और बच्चियों के साथ खुशियां मनाई और उन्हें इस दिन की बधाइयां दी। 15 अगस्त को जो हम खुशी मना रहे हैं देश के आज़ाद होने की, इसमें हर तबका हर वर्ग शामिल होना चाहिए। जैसा हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और आई साहब का ऊपर से संदेश है, पुलिस और पब्लिक का जो आपस में कम्युनिकेशन है, जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। ये ऐसे कार्य हैं जिनसे हम आपस में अपने जो सभी तबके हैं उनको जोड़ सकते हैं और जो दिलों में एक पुलिस के प्रति जो छवि है उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं लगभग जहाँ पे मेरा पदस्थापन रहा है अब तक, ये मेरा प्रयास रहा है कि जहाँ भी कोई इस तरह की संस्था होती है जो बच्चों या गरीबों या किसी भी तरह के पिछड़े और कमज़ोर वर्ग को सहायता देती है, उनके पास जाकर के मैं ज़रूर एक बार 15 अगस्त या 26 जनवरी की जो खुशियां हैं वो बांटता हूँ। इसी क्रम में आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो दरगाह में यतीम खाना है उसमें बच्चों के साथ आया हूँ और बच्चों के साथ जो 15 अगस्त की हमारी खुशियां उसको और अच्छा करने की कोशिश है, यही मैसेज दी। यतीम बच्चे हैं तो इनका एक्चुअली जो मेरा यहाँ जो पदस्थापन है पिछले 8-9 महीने में, इनके प्रति जो एक नेचुरल जो लगाव होना चाहिए वो, क्योंकि पुलिस की छवि सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ऐसे बनाई जाती है कि अगर पुलिस आ जाएगी तो डर लगता है, बच्चे को डराया जाता है। तो चूँकि अब हम लोग पास आकर के इनसे जब मिलेंगे, इनको हम मिठाई खिलाएंगे और हमारे देश की जो सबसे इम्पोर्टेंट दो तिथि हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, उनको इनका एहसास कराना ये हमारा कर्तव्य है बड़ा होने के नाते और जिम्मेदार पद पर होने के नाते। थैंक यू। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।